गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपकी फेवरेट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहाँ पर अहम अक्षरा के एक बड़े फैसले से पूरी कहानी बदलती हुई नजर आए कि आने वाले एपिसोड में देखने को मिलता है कि यहाँ पर आरोही बेहोश हो जाती है और वो दोनों यहाँ पर बुरी तरह से परेशान है कि अक्षरा कहीं अभिमन्यु को कुछ बता ना दे। लेकिन अभिमन्यु को वहाँ उन्हें हिंट देकर जाता है कि जिसने भी उसकी जासूसी करनी मतलब कि स्टार्ट करी है उन्होंने बताया है कि एक बहुत बड़ा क्लू मिला है और कोई दो लोग थे जो एक्सीडेंट करके भाग गए थे, जिसके बाद में यहाँ पर अक्षरा के होश उड़ जाते हैं और अभिमन्यु साफ कह देता है कि वो किसी भी कीमत पर उस इंसान को नहीं छोड़ेगा जो कि मेरी माँ को मरते हुए छोड़ गया, और वो बुरी तरह से डर जाती है और अभिमन्यु को कुछ नहीं बताती। तो वही देखने को मिलता है कि आरोही को होश आता है और यहाँ पर आरोही को गायरव लेने जाता है और देखने को मिलता है कि यहाँ पर वो कहती है कि अक्षरा कि मैं थोड़ी देर बाद में आती हूँ, आप इसको लेकर जाइए। और आरोही को यही शक है कि अक्षरा ने सच में सब कुछ बता दिया है, लेकिन अक्षरा ने अभी कुछ भी नहीं बताया, तो वह ऐसे कहती कि हाँ मैंने बता दिया है। तो वही देखने को मिलता है कि अब आरोही और गायरव जैसे ही घर पहुँचेंगे, अभिमन्यु अक्षरा के साथ में पुलिस को भी लेकर पहुंचेगा कोइन का हाउस। वो सबके सामने यहाँ पर आरोही को गिरफ्तार करवाने के लिए पुलिस लेकर जाता है और देखने को मिलेगा हाई वोल्टेज ड्रामा, जहाँ पर अभिमन्यु साफ कहता था कि अक्षरा ने मुझे साफ बता दिया है कि तुम्हारी वजह से एक्सीडेंट हुआ था और मेरी माँ को तुम मरता हुआ छोड़ाई थी। जिसके बाद नहीं यहाँ पर देखने को मिलने वाला है कि अक्षरा अपने आप को भी गिरफ्तार करवाते नजर आने वाली है, लेकिन मंजरी पूजी पूरी बाजी पलट देगी और कह देगी कि ये जो एक्सीडेंट है मेरा हुआ है और मैं इन दोनों के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं करना चाहती और कंप्लेन वापस ले लेगी। और वो नहीं चाहती कि अक्षरा और अभिमन्यु के बीच में कोई भी पंगा होगी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सीडेंट था, जानबूझकर किसने कुछ नहीं किया है। और अब देखते हैं कि क्या अभिमन्यु इसके लिए माफ़ करेगा आरोही को या नहीं।